नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ अड्डा पर। और दोस्तों हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ टीमें हैं जिनकी लगभग जो रिटर्न प्लेयर्स की लिस्ट है ना वो हमारे पास आ चुकी है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से किन किन टीमों ने संपर्क किया है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर से देखते रहिएगा, और क्रिकेट और आईपीएल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इनकी तैयारियां इंडिया में ही होने वाली है। इंडिया में ही आईपीएल 2022 देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यार हम भी दो साल से जो आईपीएल है वो यूएई में देख देख कर बोर हो गए हैं। कोई भी बड़े स्कोर नहीं बनते हैं, बैटिंग में उतना मजा नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से जो रोमांच होना चाहिए वो रोमांच नहीं रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई कि ये इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं इंडिया में भी, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और हमें आईपीएल इंडिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे आज की पहली अपडेट की बात करें तो वो आ रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दोस्तों मुंबई इंडियंस के 4 रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों बड़ा शॉकिंग हम कह सकते हैं कि एक चीज़ हुई है कि हार्दिक पांड्या को इन्होंने रिटेन नहीं किया, यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि अभी तो रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट नहीं है, लेकिन सोर्सेस से जानकारी यही है कि हार्दिक को ये टीम रिटेन नहीं करेगी। और जो खिलाड़ी रिटेन करेगी जिसमें उसमें पहला नाम होगा रोहित शर्मा का, दूसरा नाम होगा जसप्रीत बुमराह का, तीसरा नाम होगा मे बी सूर्य कुमार और ईशान किशन में से कोई एक, और जो चौथा नाम है वो होगा कायरन पोलार्ड का। ये 4 खिलाड़ी ये टीम रिटेन करने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या ये सही है या फिर नहीं, या फिर आपके हिसाब से किन 4 को रिटेन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। दोस्तों श्रेयस अय्यर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में थोड़ा सा अनबन हुई है, और ऐसे में खबरें आई थी, हमने आपको बताया था कि ये रिटेन नहीं होंगे और टीम दिल्ली जो है ना उनको रिटेन नहीं करेगी और ऑक्शन पूल में आएंगे ये। और हमने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि इनको नई फ्रेंचाइजियां जो है ना वो खरीद सकती है, नई फ्रेंचाइजी तरफ से ये खेल सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ टीमें हैं जिन्होंने इनसे संपर्क किया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है कि आप हमारी टीम में खेल लो। उसमें दोस्तों नाम बात करेगी कौन कौन सी टीम है, तो उसमें नाम आता है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, चेन्नई सुपर किंग्स का और केकेआर का। ये 3 टीमें जो है ना वो इनसे संपर्क कर चुकी हैं, और हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये इन 3 में से किसी भी टीम के पास में जाएंगे। बाकी आपके हिसाब से क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों यहां पर केएल राहुल को लेकर। दोस्तों केएल राहुल से भी 3 टीमें हैं जिन्होंने संपर्क किया है, जिसमें दोस्तों पहला नाम तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ही है, कर्नाटका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में डिविलियर्स ने संन्यास लिया, ऐसे में विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे में इनको एक आध खिलाड़ी ऐसा चाहिए इंडियन जो कि इस पूरी टीम को संभाल सके, और केएल राहुल से बेहतर खिलाड़ी कोई हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहां पर मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल आरसीबी में आएंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है ना उसके हिसाब से लखनऊ की टीम की तरफ से ये कप्तानी करेंगे, लखनऊ के ये कप्तान बनेंगे केएल राहुल। अब इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है तो दोस्तों बाद में पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। इसके अलावा 2 और टीमें जिन्होंने संपर्क किया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का नाम शामिल है। तो ये 3 टीमें जिन्होंने संपर्क किया, लेकिन दोस्तों संपर्क करने से कुछ भी नहीं होता है, या तो पंजाब की टीम रिटेन करेगी इनको या फिर ये नई टीमों में जाएंगे। सीधी सी बात है, हाँ खिलाड़ी की अगर इच्छा ना हो ना तो वो उस टीम में जाने से मना कर सकता है और ऑक्शन पूल में ही रह सकता है, लेकिन अब क्या होता है दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट आ रही है केकेआर की तरफ से। केकेआर की टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उसके बारे में हम आपको बताएं। तो दोस्तों केकेआर की टीम है ना, केकेआर की टीम के 4 खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है आंद्रे रसल का, दूसरा नाम आता है सुनील नारायण का, तीसरा नाम आता है शुभमन गिल का, और चौथा नाम आता है यहाँ पर या तो वेंकटेश अय्यर का या फिर वरुण चक्रवर्ती का। ये 4 नाम केकेआर की टीम जो है वो रिटेन कर सकती है, ये रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। इसके बाद बात करेंगे हम चेन्नई की, तो चेन्नई की टीम जो है रिटेन करेगी MS धोनी को, रविंद्र जडेजा को, ऋतुराज गायकवाड़ को और मोइन अली को। ये 4 खिलाड़ी ये टीम रिटेन करेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इसके बाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो RCB टीम विराट कोहली, देवदत्त पडिकल और यूजी चहल, ये 3 खिलाड़ी इनके फिक्स हैं, इन 3 को तो ये रिटेन करेगी। 4th खिलाड़ी का नाम अभी फिक्स नहीं है, वो मोहम्मद सिराज या फिर अक्षर पटेल कोई भी हो सकता है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स टीम किनको रिटेन करेगी, तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है ना वो ऋषभ पंत को रिटेन करेगी, इसके अलावा एंड्रिक नोकिया को रिटेन करेगी, अक्षर पटेल को रिटेन करेगी और इसके अलावा पृथ्वी शॉ को रिटेन करेगी। 4 खिलाड़ी ये टीम रिटेन करेगी। बाकी आपके हिसाब से इन 4 में से किन किन खिलाड़ियों को आपकी फेवरेट टीम को रिटेन करना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों फिलहाल तो इन्हीं टीमों के बारे में जानकारी है, लेकिन 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो यहां पर ज्यादा दिन बचे नहीं है रिटेंशन प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट के आने में। बाकी आपके हिसाब से आप अपना दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपनी
अपनी फेवरेट टीम की रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट से। तो दोस्तों ये थी। इसके अलावा दोस्तों आखिरी अपडेट की बात करेंगे तो आखिरी अपडेट आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिकली आकाश चोपड़ा को लेकर। दोस्तों आकाश चोपड़ा ने 4 खिलाड़ियों के नाम बताए जिनको कि आरसीबी की टीम रिटेन कर सकती है और उन 4 खिलाड़ियों में नाम दोस्तों सबसे पहले आता है विराट कोहली का। इसके अलावा दूसरा नाम आता है यूजी चहल का, तीसरा नाम आता है देवदत्त पड़िकल का और चौथा नाम आता है दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज का। ये 4 खिलाड़ी आकाश चोपड़ा के दिमाग से आरसीबी की टीम को रिटेन करना चाहिए। बाकी आपके हिसाब से किसको करना चाहिए कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।